हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक देखे थे, आज हम परसेंटेज के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करते देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में आ गया है, तो एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। एक बार इन क्वेश्चनों को आप खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 500 का 16% कितना होता है। 500 का 16% कितना होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें। कितना होता है देखो, मैंने बोला था का आ जाए तो उसका मतलब गणित में क्या होता है, गुणा। तो 500 का 16 मतलब 16/100। ठीक है, 00 से 00 कट गया, 30 80। ठीक है, 500 का 16% कितना हो गया आपका, 80। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, पहले का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए कैसा होगा। फोर्थ मतलब इस क्वेश्चन पेपर में उसका नंबर फोर्थ है। क्या लिखा है, एक मिश्र धातु में तांबा कितना है। तांबा है आपका 59%। तांबा कितना, 59%। जिंक कितना है आपका, जिंक है आपका 29%। ठीक है, और शेष जो बचा हुआ है वो क्या है आपका, सीसा, मतलब लेड बोलते हैं इसको, सीसा है। ठीक है, तो मिश्र धातु में लेड का प्रतिशत ज्ञात करो। तो मिश्र धातु में लेड का प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब ओवरऑल ये मिश्र धातु कितना होना चाहिए, ओवरऑल ये मिश्र धातु होना चाहिए 100%। ओवरऑल ये मिश्र धातु कितना होना चाहिए, 100%। तो 100 में से 59 ये है, 29 ये है, तो बचा हुआ क्या होगा, सीसा होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, 59 प्लस 29 बराबर कितना हो गया, चला 1 और ये 8, 88। मतलब टोटल 88% क्या है आपका, तांबा और जिंक। टोटल 88% क्या है, तांबा आपका, जिंक। यदि आपको सीसा निकालना है तो सीसा कैसे निकालोगे, टोटल आपका कितना है 100। हमेशा प्रतिशत में कुल मतलब क्या होता है, 100%। कभी भी प्रतिशत में कुल निकालने बोले तो उसका मतलब होता है 100%। तो 100 में से यदि मैं 88 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 10, 12%, दैट इज 12%। तो आपका आंसर कितना आएगा, उस मिश्र धातु में सीसा कितना है आपका, 12%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, 2% ऑफ, टू ऑफ का मतलब भी हिंदी में क्या होता है, का। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में, का। तो 2% मतलब 2/100 का 2% मतलब 2 बराबर कितना होगा, ये पूछा आपसे। तो 2 दूनी कितना हो गया आपका, 4/100। इसको यदि भाग देना है तो पॉइंट लगा के जीरो फोर। ठीक है, सॉरी 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के बाद 4, पॉइंट लगा के 2 जीरो के बाद 4। देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, एक बार देखो, 400 2 × 4/100। तो 4 में 100 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा। पॉइंट लगाया, 1 जीरो लगाया, अब 40 में भी 100 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 1 जीरो यहाँ पर लगाया, 1 जीरो यहाँ पर लगा, अब 400 में 100 का भाग चले जाएगा, 100 × 100, 100 × 400। इसका आंसर कितना आएगा, 0.04। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखें, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रिक मोटर को 600 वॉट इनपुट प्रदान किया जाता है, 600 वॉट इनपुट प्रदान किया जाता है, तथा उसका आउटपुट कितना निकलता है, 530 वॉट। उसका आउटपुट कितना निकलता है, 530 वॉट। तो उसकी दक्षता, प्रतिशत दक्षता मतलब इफिशियंसी निकालो। तो इफिशियंसी परसेंटेज क्या होता है, समझना, इफिशियंसी को रो से निरूपित करते, किससे निरूपित करते, रो से निरूपित करते। तो इफिशियंसी बराबर होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू सो। तो आउटपुट कितना आपका, 530, इनपुट कितना है आपका, 600। ठीक है, और परसेंटेज निकालना तो 100 का गुणा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटो तो 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 2 5 10,
इस पे भाग दोगे तो दो छंग 3 8 24, 3 8 24, दो बचा 3 8 24, फिर एक बचा पॉइंट लगा 0, 3 3 9, 88.3, 88.33%, 88.33% क्या जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इसको मैंने पहले 0 से 0 काटा, फिर 3 2 से काटा, तो 2 3 6, और 2 से कितनी बार कटेगा, 265 बार, 3 से इसको यदि 265 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 88.33%, 88.33%, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3.9% निम्न में से किसके बराबर है, 3.9% निम्न में से किसके बराबर है, तो देखिए सातवां क्वेश्चन, 3.9%, 3.9% निम्न में से किसके बराबर, 3.9% का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, 3.9/100, 3.9/100, पॉइंट हटाया तो ये जीरो आ गया, पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, जीरो। अब इसमें इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखना, पॉइंट लगा के 1 0, अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर और एक पॉइंट लगा के और एक जीरो, अब चले जाएगा 3 बार और ये 9 बार। ठीक है, तो 0.039, 0.039 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आंसर, क्लियर है। सिंपल डिवाइडेशन करना है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऊपर 2 जीरो जाएगा तो 3 जीरो के नीचे कितनी संख्या है, 3 आएगा ही, जैसे ये पॉइंट हटाया आपने, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 1 जीरो आ गया, और 100 पहले से ही था। ठीक है, तो नीचे कितनी संख्या है, 3, तो 3 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, 3 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, जैसे 39 था, 39 को 3 बनाने के लिए आगे 1 जीरो लगा दिया और उसके आगे 1 पॉइंट। ठीक है, सिंपल डिवाइडेशन आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आपके स्क्रीन पर, एक टुकड़े का वास्तविक भार कितना है, एक टुकड़े का वास्तविक भार देखा जाए तो वास्तविक भार है उसका 175, कितना है 175। ठीक है, 175 है, लेकिन गलती से उसका भार कितना लिख देते हैं वो लोग, 155, गलती से उसका भार कितना लिख देते, ये हो गया उससे गलती, गलती से उसका भार कितना लिख देते, 155। ठीक है, तो आपको बताना है कि गलती की प्रतिशतता कितनी है, गलती की प्रतिशतता कितनी है, तो कभी भी किसी भी प्रतिशत को निकाले तो वो हमेशा वास्तविक से निकलता है, वो हमेशा किससे निकलता है, वास्तविक से। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वास्तविक भार कितना था 175, लेकिन लिख कितना दिया 155, कितना कम लिखा, कितना कम लिखा, 20 कम लिखा। ठीक है, कितना कम लिखा, 20, मतलब 20 उसने क्या करी, गलती, 20 उसने क्या करा, गलती करा, तो ये है गलती का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये गलती आ गया, गलती का प्रतिशत हमेशा वास्तविक से निकलता है, तो वास्तविक भार कितना है 175, तो नीचे कितना आएगा 175, परसेंटेज निकालना था इंटू 100, परसेंटेज निकालना था इंटू 100, 25 से काटोगे तो 25 चौक 100। ठीक है, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छंग 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 80/7, 80/7 को सॉल्व करोगे तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, पॉइंट लगाए 7 चौक 11.4, 11.4 आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन सेम आप कर सकते हो, एक मोटर को 640 वॉट दिया गया, इसका आउटपुट कितना निकला 520 वॉट, तो इसकी दक्षता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट इनटू 100, आउटपुट अपॉन में इनपुट अपॉन में 100, तो आप इसको बड़ी आसानी से इसका परसेंटेज निकाल सकते हो, यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर इनपुट की वैल्यू रखोगे, परसेंटेज निकालना तो इनटू 100 हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 850 किलोग्राम का 25% का मान ज्ञात कीजिए, 800 किलोग्राम के 25%, देखो कैसे करेंगे,
850 का 25% आपसे पूछा, 850 का कितना प्रतिशत आपसे पूछा, 25%। तो सिंपल है, देखो 850 ऐसा का ऐसा प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत का मतलब होता है गुणा 25%, मतलब 25/100, 25 एक कम 25, 25 चौक 100, 4 से भी इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 4 एक कम 4, फिर 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगा के 5, ठीक है, तो 212.5, 212.5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका आंसर। तो देखिए अब ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक उपकरण का मूल्य 2100 रुपये है, उसे बढ़ाकर 2520 रुपये कर दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वृद्धि निकालना है, तो पहले देखो कितने की वृद्धि हुई। 16वां नंबर क्वेश्चन है, देखो कैसे, उपकरण का कीमत कितनी थी 2100, लेकिन बढ़ा के कितना लिख दिया 2520, 2520। अब उसने कितना बढ़ाया, देखो कितना बढ़ाया उसने, 0, 2, 4, उसने कितना रुपए बढ़ाया, 420 रुपये बढ़ा के लिखा। तो आपको इस 420 का प्रतिशत बताना है कि उसने पहले से अभी तक कितने पैसे की मूल्य की वृद्धि की है। तो उसने 420 रुपये की वृद्धि की, तो मैंने कहा था हमेशा जो भी परसेंटेज निकालना है वो वास्तविक से निकलता है, हमेशा किससे निकलता है, वास्तविक से निकलता है। तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था 2100, उसका वास्तविक मूल्य कितना था 2100, तो बटे कितना आ जाएगा 2100, परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 3 से काट दो, 3 7 21, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 7 से काटोगे तो 20 बार, तो इसका आंसर कितना जाएगा आपका 20%। इसका आंसर कितना जाएगा, बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा आपका 20%, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। मैंने बोला था कभी भी का या से आ जाए तो वो किसको निरूपित करता है, हर को, तो नीचे क्या आएगा 3 मीटर, ठीक है, ऊपर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर, परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा, बड़ी आसानी से लिख सकते हो। देखना मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कभी भी का या से लिखा आ जाए तो उसको किसको निरूपित करता है, हर को, मतलब वो संख्या नीचे लिखते, तो उसने बोला 3 मीटर का, तो 3 मीटर नीचे आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को एक बराबर में बना लो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो या तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर देते तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में कितना होगा आपका 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर में आपको कितना होगा 300 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हो 3 मीटर की जगह 300 सेंटीमीटर इंटू 100, 00 से 00 कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इसका आंसर कितना आ गया बड़ी आसानी से 20%, इसका आंसर कितना आ गया 20%, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आंसर, ठीक है, कर पाओगे इस क्वेश्चन को। आगे देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्रैंक पिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्रैंक पिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यदि इसका 12% 1080 क्रैंक पिन के बराबर हो, ठीक है। मैंने बोला था कभी भी प्रतिशत में कुल निकालना, इसका मतलब कितना निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, प्रतिशत में कभी भी कुल निकालना मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसने 12% की वैल्यू कितनी दे के रखी है, उसने 12% की वैल्यू 1080 दे के रखा है। यदि मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1080/9, 1080/12, 1080/12। उसने बोला कुल संख्या, कुल संख्या मतलब कितना निकालना है, 100%, तो यदि 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1080/12 इंटू 100, 1080/12 इंटू 100, 12 से काट दो, 12 एक कम 12, 12 9 में 108, ठीक है, ये 0, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा
9000, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 9000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका आंसर। देखिए किसे कितने सिंपल से करा, 12% की वैल्यू कितनी देके रखी है 10, 80, उसने कुल संख्या पूछा, कुल संख्या मतलब 100% की वैल्यू निकालना, तो 100% की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल सकते हैं। 12 से पहले 1% की वैल्यू निकालो, फिर 100% के लिए दोनों तरफ 100 का आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपका 100% की वैल्यू निकल जाएगी या कुल संख्या की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। आगे का देखें, देखिए आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक संख्या का 25% 12 है तो वह संख्या क्या होगी, एक संख्या का 25% 12 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए मैंने बोला वह संख्या, तो संख्या को हमेशा कितना मान लो 100% मान लो, बिना एक्स के हम इन सवालों को कैसे कितनी आसानी से कर सकते हैं वो देखो। पहली चीज़ याद रखना, कभी भी कुल निकालना है तो उसके मतलब परसेंटेज में कितना होता है, आपको 100% की वैल्यू आपसे पूछा है तो वह संख्या, वह संख्या मतलब उसने 100% वो संख्या होगी, 100% की वैल्यू पूछा उसने, तो 25% की वैल्यू कितनी दे के रखी है उसने 12, 1% की वैल्यू पूछूँ तो आप बोलोगे 12/25, वह संख्या मतलब वह संख्या कितनी होगी 100%, तो 100% की वैल्यू होगी 12/25 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, इससे इसको काटोगे तो 12 चौक 48, वह संख्या कितनी होगी 48, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, 1250 का 25%, 1250 का 25% कितना होगा, तो 1250 का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 से इसको काट दोगे तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 2 8 और 4 5 20, 312.5, 312.5 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है तो उसके अंश में क्या होता है, प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है तो उसका अंश में क्या होता है, तो जैसे देखिए एक्स प्रतिशत, एक प्रतिशत है इसको यदि भिन्न में बदलोगे तो क्या लिखते हैं आप, x/100, x/100 कितना लिखते हो 100, तो इसके हर में कितना है, ये होता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या है आपका हर, तो उसके हर में कितना आता है 100, उसके हर में कितना आता है 100, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा आपका डी, इसका आंसर कितना आएगा आपका डी, क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बक्से में 225 मशीन के कल पुर्जे, सॉरी 25 मशीन के कल पुर्जे, इसमें 5 बोल्ट है, इन बोल्ट की प्रतिशतता निकालो, इन बोल्ट की प्रतिशतता निकालो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे देखना, बोल्ट कितने 5, टोटल कितने 25, ठीक है, इसे निकालते ना, बोल्ट कितने 5, जिसकी प्रतिशतता निकालनी है उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, परसेंटेज निकालना है तो 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 5 चौका 20, ये आ गया आपका 20% आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका आंसर, ठीक है। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन देखो, 30,000 का 30%, इधर करते हैं, 30,000 का 30% तो कितना होगा, देखिए 30,000 × 30/100, 00 से 00 कैंसिल, तो 3 3 9 1 2 3 9000, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा आपका 9000, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए परसेंटेज को, उसको हमने कितनी आसानी से बेसिक मेथड से इसको करा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन घर पर और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, थीके?